उसको यहाँ भी देख सकते हैं। थोड़ा अंधेरा है लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इकट्ठे हैं। पंधावली गांव ही है। आपको बता देंगे महावीर कंवर जिला परिषद चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 4 पे। अभी गांव के एक कोने पर भारी समर्थन मिला था, अब दूसरे कोने पर मिल रहा है। ये देखें देखें, चौपाल है, देखें राहुल बड़ा गांव है और बड़े गांव में बड़ा समर्थन। जैसा कि अभी जीतने के बाद आपका हक बनता है, आप मुझे गाइड करते रहना भैया, ऐसा करें। वैसे भी ये सब मैं बिल्कुल मन से काम करके आया हूँ, सबसे ईमानदारी से। मैं भीड़ लेकर नहीं रहूँ, मैं अपने भीड़ लेने का शौक रहा हूँ, उसमें से समय निकाल कर सेवा करने के लिए आया हूँ। मेरे चार पाँच काम चल रहे हैं, कोची में चल रहे हैं, जम्मू में चल रहे हैं, बद्दी में चल रहे हैं, पानीपत में चल रहे हैं, और उसमें से समय निकाल के मैं सेवा करूँ। ये मौका फिर नहीं मिलेगा, ना हमें मिलेगा ना आपको मिलेगा। 27-94 से पंचायत राज लागू हुआ है, इस एरिया में कभी चेयरमैन ही देखी थी आपने? बताओ जिला परिषद चेयरमैन देखिए, पहली बार आ रही पदम 30-35 साल का नाम है। अब गांव गए दो दो तीन तीन आ रहे, और उन्हें यूं ना पता मेमोरी कैसी हो जिला परिषद चेयरमैन की बात है। अगर गलती से कहीं गलती में गलत डिसीजन ले भी ले तो वहाँ तो बेचारे आप अधिकारी विकास कर लिए। मुझे मैं नहीं आता जी, मैं इसलिए आया हूँ, ये रिजर्व क्षेत्र हुआ है, रिजर्व क्षेत्र ठीक है, अच्छा इंसान कोई भी हो सकता है, लेकिन विकास कार्य करने के लिए तो तालमेल चाहिए, तेज तरह चाहिए, बातचीत का ढंग चाहिए। हाँ जी, और इसलिए मैं आप लोगों से आशीर्वाद ले रहा हूँ। मैंने कह दिया सुनिए नाम ले लिया तो मैं घर का साइन मार जा पाऊंगा 7 दिन में, लेकिन पोस्टर लग जाएंगे, और जैसे कुनबा गैल एक जगह आ जाऊंगा, फिर कुनबा गैल ऐसे जाके इसलिए मैंने कहा आज मैं घर घर जाता हूँ, इस बार में गलियां भी देख लूंगा, पानी भी देख लूंगा, चौपालों को भी देख लूंगा। आज के जमाने में इतनी बुरी हालत है उस चौपाल की, बताओ। और ये तो देखिए बाहर भी काफी लोग इकट्ठे हैं, अंधेरा है थोड़ा गांव में, गांव की अभी सैकड़ों लोग यहाँ भी मौजूद हैं। हरियाणा अब तक से पुष्पेंद्र थे राजपूत।